और हमारे साथ इस वक्त विवेक जुड़े हुए हैं लाल किला से, जहां पर योग का कार्यक्रम चल रहा है। सीधे चलेंगे विवेक के पास। विवेक, तस्वीरें दिखाइए और किस तरह से लोग वहां आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। विवेक, रवि, 12,000 से ज्यादा लोग इस लाल किला के प्रांगण में देखिए मौजूद हैं। हरदीप सिंह पुरी और आचार्य बालकृष्ण यहाँ पर योग कर रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री ने मैसूर में योगा का कार्यक्रम शुरू किया था, उसके बाद यहाँ भी कार्यक्रम शुरू किया। एक बड़ी स्क्रीन लगी है और नीचे सब लोगों के साथ, आम लोगों के साथ बैठकर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो योगा कर रहे हैं। उस समय से अभ्यास चल रहा है। अभी फिलहाल यहाँ प्राणायाम कराया जा रहा है। स्टेज से एक इंस्ट्रक्टर हैं जो ये बता रहे हैं। ये देखिए, 75वां जो आज़ादी के 75 साल होने वाले हैं, वहाँ पर 75 ऐतिहासिक जगहों पर ये जो योगा डे है वो मनाया जा रहा है। 75 केंद्रीय मंत्री हैं, उनमें से एक यहाँ हरदीप सिंह पुरी जो हैं ये लाल किला पर हैं। दिल्ली में 3 ऐसे ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ स्वस्थ होने का संदेश दिया जा रहा है। रवि, बिल्कुल अलग अलग स्थानों पर, 75 अलग अलग स्थानों पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं और उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाल किले से ये देखिए, हरदीप सिंह पुरी और आचार्य बालकृष्ण यहाँ पर मौजूद हैं और जैसा कि विवेक बता रहे थे कि 12,000 के करीब लोग योग कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें हैं पतंजलि योगपीठ से, जहाँ पर बाबा रामदेव, योग गुरु रामदेव इस वक्त योग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ वाराणसी की तस्वीर, जहां एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें लोग हिस्सा ले रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए, योग साधना करते हुए वो तस्वीर हम आपको दिखा ही रहे हैं। और लाल किले की तस्वीर, जहां पर बड़ी संख्या में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा ले रहे हैं। तो भारत वर्ष आज योग करता हुआ, योग का संदेश देता हुआ पूरी दुनिया को, और ये संदेश भारत के कोने कोने से पूरी दुनिया के कोने कोने तक आज पहुंच रहा है। और संदेश इस बार का मानवता का है, जिसकी बड़ी जरूरत है पूरी दुनिया को। सुरभि हमारे साथ जुड़ी हैं। सुरभि, थीम की हम बात कर रहे थे और हम ये बात कर रहे थे कि इस बार का संदेश जो है ह्यूमैनिटी का है, मानवता का है। देखिए, जब दुनिया युद्ध की तरफ बढ़ रही है, भारत की तरफ से संदेश क्या जा रहा है? ह्यूमैनिटी का, शांति का। शायद यही वजह है कि भारत को हमेशा कहा जाता है कि जब दुनिया अंधेरे की तरफ बढ़ती है तो मशाल लेकर रास्ता दिखाने वाला भारत है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से शायद एक बार फिर से वही कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल, और साथ ही पॉजिटिविटी के साथ साथ हमने देखा प्रोडक्टिविटी का भी यहाँ पर जिक्र किया गया। एक पॉजिटिविटी, जो ऊर्जा हमें योग के माध्यम से मिलती है, इसका जिक्र हर कोई करता है रवि। और जिन एक्सपर्ट्स के साथ भी आप यहाँ पर बात कर रहे थे, उन्होंने उस बदलाव का जिक्र भी किया जो वहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब जब हमने देखा लोग योग का जिक्र करते हैं तो उनके जीवन में आए उस बदलाव का भी वो जिक्र करते हैं। तो पॉजिटिविटी के साथ साथ प्रोडक्टिविटी का जिक्र करते हुए जिस तरीके से योग को अपनाया गया है, ये सबसे ज़्यादा तो पूर्ण